अगर आप एक डॉग लवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉम टॉय द शो में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में जर्मन शेफर्ड वर्सेज रॉटवाइलर के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि दोनों डॉग ब्रीड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, हर कोई इन्हें जानता है। जर्मन शेफर्ड इंडिया में काफी फेमस डॉग ब्रीड है और ये अपने ओनर के लिए काफी लॉयल होते हैं, पर रॉटवाइलर को उतना अटेंशन नहीं दिया जाता क्योंकि लोग यही समझते हैं कि रॉटवाइलर जीएसडी के मुकाबले काफी अग्रेसिव होते हैं। रॉटवाइलर एक बड़ी ही अच्छी गार्ड डॉग ब्रीड है, ऐसा नहीं है कि ये हर किसी पे अटैक कर दे या हर किसी को काट ले। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी डॉग बेवजह किसी पे अटैक नहीं करता, कोई तो रीजन होता ही है। कहीं जगहों पर ओनर की भी गलती होती है क्योंकि वो इन्हें अच्छे से संभाल नहीं पाते और इन्हें अच्छे से ट्रेन नहीं करते, इसीलिए तो फर्स्ट टाइम ओनर को प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो फर्स्ट टाइम ओनर को रॉटवाइलर डॉग के लिए मना किया जाता है क्योंकि ऐसे ओनर ना तो इनकी केयर कर पाते हैं और ना ही इन्हें संभाल पाते हैं। रॉटवाइलर को बचपन से ही सोशलाइज करवाना जरूरी होता है। फर्स्ट टाइम ओनर अपने डॉग को ज्यादातर बांध कर रखते हैं या किसी से मिलने नहीं देते, इस वजह से वो डॉग बिल्कुल चिड़चिड़ा सा बन जाता है। बट कई फर्स्ट टाइम ओनर्स ऐसे भी हैं जो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे भी होते हैं वहाँ पर भी रॉटवाइलर बड़े ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। ये अपने ओनर के साथ खेलते हैं और उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और लोगों से भी मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो गार्ड डॉग नहीं रहेंगे, वो गार्ड डॉग तो है ही, बट वो बेवजह किसी को बार्क नहीं करेंगे ना ही हर किसी पे अटैक करेंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक गुड ओनर इज इक्वल टू गुड डॉग। अब बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो अगर आप जर्मन शेफर्ड लाना चाहते हैं इसके साथ आपको रॉटवाइलर के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि इसे हमेशा बांध के नहीं रखना है, किसी जगह या रूम में बंद कर नहीं रखना है, इन्हें ज्यादा टाइम अकेले नहीं रखना है। इनकी एक खासियत यह होती है कि ये अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से समझते हैं और इन्हें अच्छे से पता होता है कि कौन फैमिली मेंबर्स हैं, कौन स्ट्रेंजर्स हैं। जर्मन शेफर्ड जिनके साथ बचपन से रहते हैं या जिनके साथ इन्हें रखा जाता है ये उन्हीं को अपनी फैमिली समझते हैं। अगर आपके घर में कोई आता है तो जर्मन शेफर्ड उसके पास जाएगा, आपको भी उसे उसके पास जाने देना चाहिए ताकि वो उन्हें स्मेल करके अपने आप शांत होकर बैठ जाएगा। आपके घर में कोई आए और आप जर्मन शेफर्ड को बांध देते हैं, आप उसे किसी रूम में बंद कर देते हैं, इससे आपको ही बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा उसे सोशलाइज करवाइए और सभी से मिलने दे।